Good morning, students. Welcome back in your maths class. So today we are going to discuss our midterm syllabus. So let's start with our chapter number 3, that is factors and multiples. Okay, so look at here. Our learning objectives are methods of finding factors of a number, multiples, prime and composite numbers, tests for divisibility of numbers, common factors and common multiples, prime factorization, some more divisibility rules, highest common factor, lowest common multiple, properties of SCF and LCM of given number. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अवर अपने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज फैक्टर्स. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें मैथ्स टीचर जो है वो चाहती है कि मतलब आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें आपको ग्रुप 30 स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वली ग्रुप में डिवाइड करना है. ठीक, तो आप क्या करोगे, आप वन से स्टार्ट करोगे या तो आप एक ही ग्रुप बना दोगे. ठीक, इक्वल डिवाइड करना है तो एक वन स्टूडेंट क्या करेगा, उसको एक ही ग्रुप में रखेगा. ठीक है, तो पूरे स्टूडेंट आ जाएंगे. जो सेकेंड ग्रुप बनेगा, सपोज किसी दूसरे स्टूडेंट ने सेकेंड ग्रुप बनाया, तो वो क्या करेगा कि 15 स्टूडेंट एक ग्रुप में रखेगा, 15 स्टूडेंट दूसरे ग्रुप में रखेगा. ठीक है, सेम देखो उसने वही किया है. फिर नेक्स्ट ने क्या किया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो इसमें क्या हो गया कि 10 स्टूडेंट एक ग्रुप में, 10 दूसरे और 10 तीसरे में. 4 से नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हम 4 ग्रुप्स में 30 स्टूडेंट को इक्वली नंबर में हम नहीं रख सकते, तो 4 नहीं होगा. ठीक है, 5 से हो जाएगा. 5 से कैसे होगा कि 5 जो है वो 5 ग्रुप बनेंगे जिसमें 6 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे, 6 रहेंगे. और 5 से भी हो सकता है, 5 आप 6 ग्रुप बनाओ और 5 स्टूडेंट रखो उसमें. ठीक है, तो ये जो सारे नंबर्स आ रहे हैं 30 के, क्या आए हैं देखो यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 30, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, प्रोडक्ट जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है ना. तो देखो यहीं से आप समझ लो फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो देखो इन दो नंबर्स की जो मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें क्या मिला, 30. इसका मतलब है कि जो 30 है वो 3 का मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है, इन दोनों का क्या है, ये मल्टीपल है. ठीक, लेकिन ये दोनों क्या है 30 ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं. ये सब क्या कहे जाएंगे, फैक्टर कहे जाएंगे. मतलब 30 का जो फैक्टर होगा वो 3 है और 10 है, 30 का जो फैक्टर है वो 5 है एंड 6 है. ठीक, तो हमको अगर फैक्टर्स फाइंड आउट करना होता है तो हम इसी बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, मतलब फैक्टर्स क्या होता है कि किसी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्ट उसे डिवाइड कर दे, मतलब उसके जो डिविजर मिले वो एग्जैक्ट वैल्यू मिले. ठीक है, तो वो जो एग्जैक्ट डिविजर मिल रहे होते हैं वो उस नंबर के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. ठीक, तो यहाँ पे देखो डिफिनेशन एक तरह से दिया गया है कि एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर. ठीक है, मतलब किसी नंबर का जो एग्जैक्ट डिविजर होता है वो उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है. तो फैक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली हम दो तरह से फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड, सेकेंड डिविजन मेथड. ठीक है, ठीक है, देखो तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे होगा, आप कोई भी नंबर ले लो, 30 को छोड़ो, यहाँ पे 15 ले लो, हाँ 15 ले लेते हैं. ठीक है, 15 का मल्टीपल फैक्टर्स हम देखते हैं, तो 15 के फैक्टर्स के लिए मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करेंगे, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करो जिसमें हमें क्या मिले, 15 मिले. तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम खुद 15 में करें तो क्या मिलेगा, हमें 15 ही मिलेगा. तो क्या आप 1 by 1 आप मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐसा नहीं कि आप मतलब बीच में जंप करके कहीं से ले जाओ, 1 से मल्टीप्लाई किए 15 हो गया,
क्या 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो लेफ्ट कर दो 2 को। 3 की मल्टीप्लाई से 15 मिलेगा? हाँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 हो गया। 4 की मल्टीप्लाई में 15 होगा? नहीं होगा। 5 नहीं, 6 हाँ 5 में होगा, सॉरी 5 में होगा। तो 5 देखो 15 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। लेकिन आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि ये दोनों नंबर सेम सेम आ गया, 5 भी है और 3 भी आ गया, ठीक। तो ये फैक्टर्स में नहीं रखे जाएंगे क्योंकि दोनों नंबर सेम आ गए। या तो 5 की मल्टीप्लाई 3 में करो या 3 की मल्टीप्लाई 5 में करो, आंसर हमें वही मिलेगा, ठीक है। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13, 14, 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वो भी नंबर्स गिवन है। इसका मतलब है कि जो 15 फैक्टर ऑफ 15 सो क्या हो जाएंगे, सॉरी फैक्टर्स ऑफ 15 क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 एंड 15, ठीक। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। डिविजन मेथड में हम डिविजन मेथड में क्या करते हैं, देखो 15 को हम 1 बाई 1 डिवाइड करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 15, 1 कितने टाइम में जाएगा, 15 टाइम में, 2 से होगा नहीं, 3 से, 5 टाइम में, 4 से भी नहीं डिविजिबल है तो 4 को भी लेफ्ट करेंगे, 5 से है कितने टाइम में, 3 टाइम में, 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, 14 से भी नहीं है, 15 से है 1 टाइम में, ठीक। देखो सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, 1, 3, 5, 15 सेम सेम आ रहा है ना। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है और ये आपका डिविजन मेथड होता है, ठीक। तो बेसिकली जो हम लोग जो यूज करते हैं वो मल्टीप्लीकेशन मेथड ही करते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर की, सॉरी परफेक्ट नंबर की, स्क्वायर नहीं नंबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके बाद हम लोग ट्राई दिस के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन देखो क्या होता है परफेक्ट नंबर। अ नंबर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। एक नंबर जिसके सारे फैक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो उस नंबर का ट्वाइस होता है, मीन्स डबल होता है। तो वो जो नंबर होता है वो क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। जैसे 6 हो गया, 28 हो गया, ये सब क्या है, ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो देखो परफेक्ट नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ पर परफेक्ट नंबर हो गया आपका, मान लो 6 का मैंने बोला ना, तो 6 का फैक्टर निकालो पहले, तो 1 से होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 से, 2, 3 जा 6, अब क्या और किसी नंबर से होगा 6, 3, 2 जा 6 होगा, तो सेम नंबर हमें मिल गया, तो हमें करने की उसकी जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या हो गया, 1, 2, 3 एंड 6, अब इनको ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 3, 6, 6, 12, तो क्या ये 6 का डबल है, ट्वाइस है ना। तो इनका जो सम आया अगर ट्वाइस आए उस नंबर के, इसका मतलब कि 6 जो है क्या, वो परफेक्ट नंबर है, ठीक। डबल आना चाहिए, मतलब 6 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, 12 आएगा ना, देखो सम करने पे भी 12 आ गया, ठीक है, वही चीज है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या है आपके, तो मल्टीपल्स पता है क्या होता है, इसमें हम नेचुरल नंबर से किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वही हमारा क्या होता है, मल्टीपल होता है, किसी भी नेचुरल नंबर में। देखो मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, देखो मान लो 3 का हमें मल्टीपल निकालना है, तो 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करते हैं तो हमें 3 मिलेगा, 3 की मल्टीप्लाई अब 2 में करेंगे तो 6 मिलेगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 में क्या, 12, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 है ना। तो देखो ये जो 3 है ये 3 कांस्टेंट है ना, तो हम 3 की मल्टीप्लाई जब कभी भी नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है, तो जब कभी भी हम नेचुरल नंबर में करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो 3 का क्या होता है, मल्टीपल होगा। तो किसी भी नंबर को आप ले लो और उसको नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है।
यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए क्या दिया गया है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर जो है मल्टीपल है खुद का है, वो तो है ही, ठीक। इसके बाद क्या है, एवरी मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, प्रत्येक जो मल्टीपल्स हैं किसी नंबर के वो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे बड़े भी हो सकते हैं, उसके बराबर भी हो सकते हैं, ठीक। तो द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, अगर किसी भी नंबर का जो हमें मल्टीपल्स बताने हो कि कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं तो वो इनफाइनाइट है, हम किसी भी नंबर का एग्जैक्ट टोटल मल्टीपल नहीं बता सकते, वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट है, आप मल्टीप्लाई करते जाओ उस नंबर में आपको आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, प्रत्येक जो नंबर होता है मल्टीपल का वो, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, हाँ जो जो फैक्टर्स किसी भी नंबर का जो फैक्टर हमें मिला होता है तो वो जो फैक्टर्स होते हैं ना वो उनका जो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देखो ये जो नंबर्स है ना 3 और 5, तो ये जो नंबर है हमारा 15, तो ये 15 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा, ठीक। मतलब ये अपने फैक्टर्स के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, फैक्टर्स इनका जो होता है उनका क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक। कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं इसके भी, फैक्टर्स के भी। तो फर्स्ट इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो 1 है वो सारे नंबर्स का फैक्टर है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक जो नंबर है वो खुद का ही फैक्टर है, ठीक। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ द नंबर, प्रत्येक जो नंबर के फैक्टर्स हैं वो खुद के उस नंबर के क्या एग्जैक्ट डिविजर है, मतलब एग्जैक्टली वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज लेसर और इक्वल टू द नंबर, जो फैक्टर्स होते हैं देखो मल्टीपल्स में ग्रेटर होते हैं लेकिन इसमें ग्रेटर नहीं हो सकते, उसमें लेसर होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट, जितने भी नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट है, उन्हें हम इजिली हम उनको बता सकते हैं, मतलब कि वो उनका जो पता है, अगर आप 12 का फैक्टर निकालो तो लास्ट जो फैक्टर होगा ना वो 12 ही होगा, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं जा सकती, तो ये फाइनाइट है, फिक्स है ये वैल्यू, ठीक है। 15 का अगर आप फैक्टर निकालो तो लास्ट जो उसका हाईएस्ट जो फैक्टर होगा वो 15 ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ट्राई दिस 3.1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर के फैक्टर्स आपको बताने हैं, 15 का मैंने बता ही दिया था, 24 का निकालते हैं एक बार, ठीक कर लेते हैं, ट्राई दिस का 3 का फर्स्ट है ना, बी फर्स्ट का बी 24 यही है ना, इसका फैक्टर निकालो, 24 इक्वल टू 1 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। 24 अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 डिवाइड कर दो, मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। अब डिवाइड करते चलो, 3 से करेंगे 3 8 जा 24, 4 से 3 6 जा, ठीक है। देखो अब 5 से होगा नहीं, सॉरी 6 टाइम में नहीं होगा, 4 होगा ना यहाँ पे 4, हाँ 4 होगा, तो अब 5 से तो होगा नहीं, 6 से करोगे तो 6 4 जा ही आएगा, 7 से होगा नहीं, 8 से करोगे तो 8 3 जा ही आएगा, 12 2 जा ही आएगा, इसके आगे 24 बन जाएगा, बस इसके फैक्टर्स इतने ही आएंगे। तो आप पता है आप सिर्फ 9 तक उन नंबर को डिवाइड कर दो, नंबर्स लिखते जाओ डिवाइड करते जाओ जिससे वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, उसको नंबर को आप राइट कर दो यहाँ पे, ठीक। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24, बस इसके यही फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द फैक्टर पेयर्स ऑफ गिवन नंबर्स, फाइंड विच नंबर हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फैक्टर पेयर्स एंड विच नंबर हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर पेयर। तो आपको सेम ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, अब आपको ये देखना है किसमें ज्यादा फैक्टर्स हैं और किसमें कम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे फैक्टर निकालिएगा जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्यादा होंगे उनको लिख दीजिएगा, जिनमें कम होंगे उनको लिख दीजिएगा। ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर
थ्री का सेकेंड है, ड्रॉ एज मेनी रेक्टेंगुलर एज यू कैन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. इसमें जितना आप रेक्टेंगल्स बना सकते हो जिस बेसिस पे, देखो ये बनाया गया ना सेम इसी प्रोसेस पे, आपको 20 के बनाना है तो 20 का वन फैक्टर्स निकाल दो, उस बेसिस पे आप बना दो. एक एक रो में मान लो 20 का बता दे रहे हैं, देखो 20 है ना, तो आप क्या करो रेक्टेंगल बनाना है तो आप एक बनाओ पूरा 20 हो गया ठीक. फिर टू को करो थोड़ा सा इसको छोटा कर दो और ये बड़ा कर दो, तो ये 10 के फॉर्म में हो जाएगा ठीक. मतलब टू बने हैं ये 10 हो गया रेक्टेंगल फॉर्म में ठीक है. तो ऐसे ही आप इसको निकालते जाओ और इसके आंसर फैक्टर्स मिलते जाएंगे आपको. फैक्टर पहले निकाल लो उसके बाद ऐसे रेक्टेंगल बना लेना ठीक. अब आते हैं एक्सरसाइज पे, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी मैं क्योंकि ये भी हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज बात होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी नंबर्स के बारे में बात करेंगे. देखो राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फैक्टर्स ऑफ फाइंड आउट कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मल्टीपल ऑफ कंप्लीट सीरीज. सेम वैसे चला, 2 2 जा 4, 4 2 नहीं 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14 16, ऐसे आगे भी आप इसमें भी पढ़ा सकते हो ठीक. ये मल्टीपल्स जा रहे हैं, 1 की मल्टीप्लाई हुई है, 2 की मल्टीप्लाई, 3 की, 4 की, 5 की होगी, फिर 6 की, फिर 7 की ठीक है. राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स. देखो 10 मल्टीपल्स लिखने हैं ना. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1, तो 3 का 7, ए का क्या है 7 है ना, सॉरी 7 के 10 मल्टीपल्स, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 7 की मल्टीप्लाई 2 10 टाइम कर दो ऐसे 14, 7 की मल्टीप्लाई 3 में करिए 21, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 28, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 35, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 42, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 49, 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 56, 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 63, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 70. बस ये तक आंसर हो जाएगा. 10 मल्टीपल्स ऐड करने हैं तो 7 में 10 नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप आज करोगे, फिर इन द ब्लैंक्स और बाकी सारे क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगी ओके. चलिए थैंक यू.